वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज मैं बनाने वाली हूँ मटन, लेकिन कटा मसाला का। आज मैं कोई भी मसाले पीस के इसमें नहीं डालूंगी। जो भी मेरे पास है, जैसे जीरा हुआ, ये मैं गूड़ा हो तो डालूंगी, लेकिन बाकी जो मसाले हैं, जैसे गरम मसाला हुआ या अदरक लहसुन प्याज लाल मिर्च पाउडर, वो मैं सब आज गोटा ही डालने वाली हूँ। तो आइए चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मटन जो है कटा मसाला का किस तरह से बनता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करें। कुकर बैठाया है, इस कुकर में मैंने डाला है रिफाइंड तेल 100 के लगभग। आप चाहे तो सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें मैं डालूंगी 2 तेजपत्ते और जो प्याज और मिर्चा जो मैंने काटा है उसमें मैं डालूंगी। इसमें 2 बड़े प्याज लिए हैं और 4 सूखा मिर्चा मैंने लिया है। इसमें अगर मुझे झाल थोड़ा कम रहेगा तो मैं थोड़ा सा गूड़ा मिर्चा का यूज़ कर लूँगी, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और मैं प्रेशर कुकर में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि प्रेशर कुकर में मटन है तो मटन गलने में थोड़ा देर होता है, इसलिए मैं इसे प्रेशर कुकर में ही बना रही हूँ। अगर आप कढ़ाई में बनाएं तो उसमें ज़रूर से 1 छोटा पपीता डाल दें, ताकि पपीता डालने से जो है मटन जो है वो जल्दी गल जाता है। तो जो है प्याज जो है ब्राउन हो चला है, अब मैं इसमें डाल दूँगी मटन। तो गाइस देखिए, मैंने इसमें डाला है मटन। अब इसमें जो अदरक और लहसुन जो मैंने काट के रखा हुआ था, तो वो इसमें मैं अब डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने 25 ग्राम के लगभग लिए अदरक और 1 बड़ा लहसुन गोटा मैंने पूरा छील के उसे बारीकी से काटा है। मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन दोनों ही बहुत ही बारीकी से काटा है, ताकि ये अच्छी तरह से मटन के साथ ही गल जाए और मटन में पूरा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने दिया है 1/4 चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच मैंने लाल मिर्च कलर आने के लिए, 2 छोटी चम्मच गूड़ा जीरा और नमक अपने स्वाद अनुसार। और इसमें जो है मैं गोटा मसाला ही दूँगी, गूड़ा मसाला का यूज़ मैं नहीं कर रही हूँ। मैंने देने वाली हूँ गोटा मसाला, ये मैं गोटा गरम मसाला में देने वाली। छोटी इलायची, 4 लौंग, 2 दालचीनी और 1 जायत्री और 1 बड़ा इलायची। अरे छोटा इलायची और बड़े इलायची के बीच से मैंने कट लगाया है, ताकि ये मसाला जो है मेरा खुशबूदार हो जाए और अच्छी स्मेल भी आए। तो गाइस मैंने यहाँ पर पानी दे दिया है। तो देखिए पानी मैंने बेसी नहीं दिया है, मेरा मटर और पानी एक समान है, बेसी मैंने भर के नहीं दिया है। और इस अब मैं इसे बंद कर दूँगी, ढक दूँगी और ढकने के बाद मैं इसे हाई फ्लेम पे ही 4 से 5 सीटी आगे लगाऊंगी। गाइस यहाँ पर मैंने 5 सीटी लगा के खोल के देखा था, तो वो गला नहीं था, मैंने इसमें 8 सीटी लगा दिया है। तो ये पूरी अच्छी तरह से गल गया है, इसका पानी भी सूख गया है। तो मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर भूना है। देखिए यहाँ पर मसाला जो है तेल छोड़ दिया, इसका मतलब कि मसाला पूरा भुना चुका है, पूरी अच्छी तरह से गल भी गई है। देखिए गोस जो है हड्डी को छोड़ दिया है। तो बस इतना आसानी के साथ मैंने ये मटन थोड़ा बना लिया है, मेरा मसाला भी भून गया है। बस ये खाने के लिए अब पूरा हो चुका है रेडी, मेरे मटन बन के हो चुका है तैयार। तो कितना इसका कलर आया है और ग्रेवी भी काफ़ी हुआ है, जैसे कि गूढ़ा मसाला देने से ही ग्रेवी हो जाता है, उसी तरह से कितना अच्छी तरीक़े से बना है ये मटन। लेकिन इसमें मैंने मसाला जो है पीस के कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पर सब मैंने गोटा मसाला का ही यूज़ किया है। खाली जीरा हल्दी जो है मैंने यहाँ पर गूड़ा दिया था, वो भी मैंने पीसा नहीं था, मेरे घर पे थे गूड़ा मसाला। इसमें देखिए कितना गर्म है, धुआं भी निकल रहा है। तो मेरा आज का ये वीडियो, मेरा ये आज का रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा तो आप मुझे कॉमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कलम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।